झारखंड के धनबाद जिले में बारवा अड्डा रोड पर मैमको मोड़ के हीरक पॉइंट पेट्रोल पंप के पास की झोपड़ी नुमा दुकानों में रविवार रात आग लग गई। आग में आधा दर्जन दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के लगने से बताया जा रहा है कि लोगों की करीब 3 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। आपको बता दें, हीरक पॉइंट पेट्रोल पंप के पास स्थित पुलिस चेक पोस्ट के बगल में दर्जनों दुकानें हैं और अधिकतर दुकानें झोपड़ी नुमा हैं। इन्हीं में रविवार रात करीब 10 बजे आग लग गई। तब अधिकतर दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर अपने घर जा चुके थे। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि किसी दुकान की चूल्हे की चिंगारी या फिर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। दुकानों से आग की लपटें निकलती देख आसपास के लोगों ने बारवा अड्डा थाना को सूचना दी। सूचना पाकर थानेदार गंगा सागर ओझा मौके पर पहुंचे और उन्होंने आसपास से अग्निशमन उपकरण मंगाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। अधिकतर अग्निशमन उपकरण काम नहीं कर पाए क्योंकि वे बेकार थे। इसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आधा दर्जन दुकानें जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन आसपास की अन्य दुकानों को बचा लिया गया। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।